हेलो एवरीवन, दिस इज देव जोशी विद डी थ्री परिवार एंड यू आर वॉचिंग देसी फीड। खुश रहो सब लोग, खुश रहो। गुड मॉर्निंग, आप सभी को शनिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। बस सैटरडे है तो हर सैटरडे मेरा उपवास होता है, मेरे पूरे परिवार का। तो यस, हम यहाँ पे इच्छापूर्ति हनुमान जी में दर्शन करने आए हैं और मोस्टली जितना हो सके हम हर सैटरडे ट्राई करते हैं। तो आज भी शनिवार को इच्छापूर्ति हनुमान जी के दर्शन करने, उनके आशीर्वाद लेने आए। और कहीं ना कहीं जब से मेरा शो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर यहाँ इस मंदिर के साथ मेरा एक अलग ही जुड़ाव रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। जी ऑफकोर्स, यही चाहता हूँ मैं कि अब वैक्सीन भी आ चुका है, हनुमान जी लेकर आ गए वैक्सीन। तो यस, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये बीमारी मिट जाए और हम सब वापस बैक टू नॉर्मल चले जाए और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ में कहीं ना कहीं अपनापन मिसिंग है वो हम वापस एक दूसरे के साथ जुड़े और हम भी वापस इवेंट्स करने जाए, हमारे फ्रेंड्स से मिले, यही हम चाहते हैं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, जो मेरे पापा भी आए हैं आज, एवरी सैटरडे मैं मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आता हूँ और बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हनुमान जी हमारे घर के बॉस हैं। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम उनके पास जाते हैं और पूरी श्रद्धा से, हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि पूरी श्रद्धा से हम, मतलब जो मेहनत तो करना ही पड़ता है, विदाउट मेहनत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन पूरी श्रद्धा से उनके पास आता है तो इच्छा पूर्ति हनुमान है, हमारी हर एक इच्छा पूरी होती है। हम कहीं भी अटक जाते हैं, दो तीन रास्ते दिखते हैं, तो कौन सा रास्ता सही है और क्या चुने उसके लिए इनसे परमिशन लेने आते हैं। ये हमें ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि आप ये रास्ता चुनो और बस हमारे बॉस है जैसे, तो हमारे घर के सभी फैसलों में पहले होते हैं। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। जी बस यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बालवीर से जितना प्यार कर रहे हैं उतना ही करते रहिए। और मैंने आज प्रे भी किया है सबके लिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना की बीमारी चले जाए, हम सब ठीक हो जाए और वापस हम सब एक साथ मिले, कई सारे इवेंट्स करें और आप सबका प्यार इसी तरह D3 परिवार के साथ मेरे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच।